Yes, so hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about your actual most awaited movie called Doctor Strange and the Multiverse of Madness. सही मायनों में कहूँ तो ये मूवी मेरी सीरीज MCU यानी कि Marvel Cinematic Universe की 28th मूवी है और इसके पहले 0 से लेकर 27 तक काफी बेहतरीन मूवीज को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है और अगर आप उन सभी मूवीज को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी मूवीज का एक प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है जहां पर जाकर आप उन सभी बेहतरीन मूवीज को चेकआउट कर सकते हैं। और फाइनली काफी इंतजार के बाद में वक्त आ चुका है इस बेहतरीन मूवी को आप सभी के सामने एक्सप्लेन करने का। वेल, इस वक्त मेरे पास अभी इसका हॉल प्रिंट ही अवेलेबल है, लेकिन जैसे इसका टेनेटी प्रिंट अवेलेबल होगा मैं आप सभी के लिए टॉप नॉच क्लैरिटी में उसे जरूर लेकर आऊंगा। तब तक के लिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत होती है एक अनादर डायमेंशन से, जहां पर हम डिफेंडर स्ट्रेंज और थी अमेरिका चावेस को की, तो उसने अपनी हिम्मत हार ली, जिसके बाद वो अपने दोनों बच्चों को उस डायमेंशन की वांडा के पास दिल पर पत्थर रखकर छोड़ देती है और ये डिसाइड करती है कि अब उसका खत्म हो जाना ही बेहतर है, जिसके बाद वो अपनी पावर से इस पूरे ब्रह्मांड के जितने भी अलग अलग मल्टीवर्सेस थे वहां से डार्क होल्ड्स को खत्म कर देती है और उसके बाद अपने आप को भी खत्म कर देती है। और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। वेल, इस कहानी के टोटल 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है, एक है और इसी के साथ एंड क्रेडिट सीन यहीं पर खत्म होता है। वहीं पर पोस्ट क्रेडिट सीन में हम ये देख पाते हैं वो शख्स जो अपने आप को मुक्के मार रहा था अब वो अपने आप को मुक्के मारना बंद कर देता है, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इसके बाद में और भी बेहतरीन मूवीज आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। और जाने से पहले अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहां पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा और अगर कोई शिकायत भी करनी हो तो डायरेक्ट DM कर दीजिएगा क्योंकि मैं हर कमेंट को रीड करता हूं और हर मैसेज का रिप्लाई भी करता हूं। सो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।